वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे इस नए वीडियो लेसन के साथ में आज हम सीखेंगे पैसिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ विशेष विधियां, बोलचाल में, हमारे डेली के कन्वर्सेशन में, हमारे यूज में, जिस तरह से हम हमारे बोलचाल में किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस को प्रयोग करते हैं, हमारे पैसिव सेंटेंसेस किस तरह से हमारे बोलचाल में यूज होते हैं, हम डेली किस तरह से अचानक ही इस तरह के पैसिव सेंटेंसेस बोल जाते हैं। और आप देखिए, लगभग हमारी बोलचाल में 70% तक के हम पैसिव सेंटेंसेस कई बार बोल जाते हैं। और पैसिव सेंटेंसेस हमारे कन्वर्सेशन में बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं। अगर हम पैसिव सेंटेंसेस को हमारे डेली कन्वर्सेशन में यूज में जान जाते हैं, उन्हें स्टोरी के माध्यम से लिखना सीख जाते हैं, उन्हें ये सीख जाते हैं कि किस तरह से लिखते समय भी हमें पैसिव सेंटेंसेस का यूज करना आना चाहिए, किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे पैसिव सेंटेंसेस किस तरह से विशेष होंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पिछले सारे वीडियोस जो हमने लेसन्स देखे हैं, उन्हें जिस तरह से हमने एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बनाने के सेंटेंसेस पढ़ा है, हमारे अंग्रेजी के सेंटेंसेस को पैसिव में बनाने के जो विधियां होती है, उन्हें एग्जाम्स में किस तरह से पूछा जाता है, वो सारे लेसन्स हम लगातार पढ़ चुके हैं। हमारे सिंपल प्रेजेंट से लेकर के हमने 15 विधियों के साथ में 15 नियम देखे थे हमारे पैसिव बनाने के, वो तरीके हमने सीखे थे हमारे लगातार। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पैसिव सेंटेंसेस हमारे जीवन में, हमारी बोलचाल में किस तरह से उपयोग होते हैं। हमने देखे हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सर्वेसर्वा होता है, सब्जेक्ट को ही महत्व दिया जाता है, और पैसिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया था, ऑब्जेक्ट ही सर्वेसर्वा होता है, ऑब्जेक्ट ही सबसे बड़ा मान करके हम उसे सेंटेंसेस में सबसे शुरुआत में रखते हैं। तो चलिए, अगर हमें बोलचाल में, हमारे जीवन में, हमारे कन्वर्सेशन में, हमें अगर पैसिव सेंटेंसेस को लगातार यूज करना रहा, कभी कभी यूज करना रहा, हम जब कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं किसी के साथ में, हमारे टॉकिंग करते हैं, तो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस लगातार मिक्स हो करके आते रहते हैं। और अगर हम पैसिव सेंटेंसेस के विधियों को सीख जाएं, तो हमारा कन्वर्सेशन, हमारी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो सकती है। तो आज इस नए वीडियो लेसन के साथ में, इस नए चैप्टर के साथ में, हम एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं, हमारे पैसिव सेंटेंसेस को हमारे डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में किस तरह से यूज किया जाता है। और सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल्स, पैसिव के जो नियम हम लगातार सीख चुके हैं अंग्रेजी में बनाना, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के कन्वर्सेशन में कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए उस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सिंपल प्रेजेंट के कुछ पैसिव सेंटेंसेस हमारे बोलचाल में किस तरह से यूज होंगे, हमारे कन्वर्सेशन में कैसे यूज होंगे, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट से सारे लेसन्स को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को किस तरह से याद किया जाता है, वो ट्रिक्स भी आप हमारे पैटर्न के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम देखेंगे हमारे कुछ सेंटेंसेस, हमें पैसिव का उपयोग किस तरह से हमारे डेली लाइफ में करना होता है, उसके फॉर्मूले को हम एक बार और देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे ऊपर देखिए, हमने जो फॉर्मूला लगातार पढ़ा है पैसिव बनाने के, हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना है। हमारे सेंटेंसेस में जब हमने देखा था कि बाय का यूज किया जाता था, लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड, हमारे जो डेली कन्वर्सेशन होता है, जो डेली की बातचीत होती है, जो रोज के हमारे हमारे जो चर्चा होती है, उसमें बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हम लगातार उन चीजों को जानते हैं। तो हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बार बार जानते हैं, उस सब्जेक्ट को हम बाय के साथ यूज नहीं कर रहे होते हैं, उसे ड्रॉप करके चल रहे होते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो नीचे जो आप सेंटेंसेस देखेंगे, हमें बाय के साथ सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। तो चलिए, हमारा जो पहला एग्जांपल आप देखिए आपके स्क्रीन पर, हमारा सेंटेंस है, हर हफ्ते बाजार से सब्जियां खरीदी जाती है या खरीदते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर हफ्ते बाजार से सब्जियां खरीदी जाती है, खरीदते हैं, हमारा रोज के बोलचाल का एक तरह का सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में बाजार कौन जाता है, कौन सब्जी खरीदता है, उसका जिक्र नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, हमें बाय के साथ पीछे जो हमें सब्जेक्ट लिखना होता है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बाजार से सब्जी कौन खरीदता है वो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हो रहा है। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, वेजिटेबल्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट एवरी वीक। देखिए, हमारा सब्जेक्ट फॉर्मूला से आप मिलाइए, लेकिन आपको बाय के साथ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, आने वाले सारे सेंटेंसेस में दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट को हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे इस तरह के सेंटेंसेस में ड्रॉप रखा है, महत्व नहीं दिया है। हमने महत्व दिया है हमारे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नंबर वन आप देखेंगे, हमारी उन क्रियाओं को, और जहां से उस सामान को खरीदा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई ऑब्जेक्ट को, एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स को। सेकंड एग्जांपल से और समझते हैं, हमारा सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे,
आप हमारे साथ इनके एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस की सारी विधियां हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, परीक्षा के पहले हमारे स्कूल में ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाते हैं। देखिए नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर हमने नहीं बताया है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, हमने टीचर्स का जिक्र नहीं किया है, सब्जेक्ट को हमने हमारे सेंटेंस में नहीं लिया है। तो पैसिव भी बिना सब्जेक्ट के किस तरह से बन जाएगा, ग्रामर इज नॉट टॉट इन आर स्कूल बिफोर द एग्जाम, परीक्षा के पहले हमारे यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, तो ग्रामर इज नॉट टॉट इन आर स्कूल बिफोर द एग्जाम्स। तीसरा एग्जाम्पल और समझते हैं, क्या तुम सबके लिए त्योहार में नए कपड़े खरीदे जाते हैं या क्या तुम सबके लिए त्योहार में नए कपड़े खरीदते हैं। खरीदने वाले जो भी घर के बड़े लोग होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है कपड़े हैं, उस कपड़े को हम सर्वे सर्वा मान करके बातचीत कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा आर, क्योंकि ये प्रश्नात्मक सेंटेंस है, हमें ध्यान से प्रश्नात्मक सेंटेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इंटरोगेटिव, आर न्यू क्लॉथ परचेस्ड इन फेस्टिवल्स फॉर यू ऑल, क्या त्योहार में नए कपड़े तुम सबके लिए खरीदे जाते हैं। आर न्यू क्लॉथ परचेस्ड इन फेस्टिवल फॉर यू ऑल। चलिए देखते हैं हमारा चौथा एग्जाम्पल कुछ और, हमें स्कूल में सभी सुविधाएं दी जाती है या हमें स्कूल में सभी सुविधाएं देते हैं। तो हमें देते हैं सभी सुविधाएं हमारे लिए, किस तरह से ऑब्जेक्ट नंबर हम है और हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि सभी सुविधाएं हमें दी जाती हैं। वी आर प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज इन द स्कूल्स, हमें सभी सुविधाएं दी जाती हैं। वी आर प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज इन द स्कूल। तो देखिए हमारा सेंटेंस बन गया उस तरह का सेंटेंस हम जो हमारे बातचीत में हमारे डेली के यूज में लेते हैं। अगला एग्जाम्पल से और समझते हैं, हमने देखिए किसी भी सेंटेंस में बाय के साथ सब्जेक्ट का जिक्र अब तक के नहीं किया है। अगर आपके सेंटेंस में जरूरी होता है तो ही हम करते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवा सेंटेंस हम देखेंगे, हमारे घर पर इस माह में कुछ भी नहीं लिया जाता है, मतलब उस महीने में कुछ भी नहीं खरीदा जाता है, खरीदते हैं, ऐसा कोई महीना जिसमें कि कोई परचेसिंग नई चीजों का खरीदारी नहीं की जाती है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, नथिंग इज परचेस्ड इन दिस मंथ इन आर होम, हमारे घर पर इस महीने में कुछ भी नहीं खरीदा जाता है। नथिंग इज परचेस्ड, चूंकि नथिंग से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव खुद ही बन के आ रहा है नथिंग, तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पांच एग्जांपल्स देखे हैं हमारे ऐसे सेंटेंसेस जो हम रोज के हमारे दिनचर्या में, हमारी बातचीत में, हमारे स्टोरी में, हमारे कन्वर्सेशन में, हम पेपर में इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जो रोज के काम होते हैं, जिन्हें किया जाता है, जिन्हें करते हैं, एक रोज का वो एक डेली पैटर्न होता है। हम इस तरह के सेंटेंसेस अब लगातार सीखेंगे हमारे इस नए सीरीज के साथ, हमारे नए पैटर्न के साथ में। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे कि बोलचाल में हमारे पैसिव सेंटेंसेस को एक एक करके हमारे टेंस के साथ कैसे यूज किया जाता है, कैसे टेंस मॉडल और जो भी पैटर्न हमने पढ़े हैं हमारे एक्टिव सेंटेंसेस ग्रामर के रूप में, उसे हम पैसिव को बोलचाल में कैसे यूज करते हैं। अगले पेज पर चलते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। एक बार आप नियम सीख जाते हैं, एक बार आप पैटर्न सीख जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस बना पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और अपने कन्वर्सेशन में यूज भी कर पाएंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। पैसिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में, हमारी बोल चाल में, हमारे रोज के उपयोग में, कन्वर्सेशन में कैसे उपयोग किया जाता है, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हम आसानी से सीख सकते हैं। सूत्र जो हमारा होगा पैसिव सेंटेंसेस का, वही जो हम लगातार पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को देख करके हमें इज़मार और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना होता है। हमने हमारे सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में बाय का उपयोग जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आप सातवा एग्जाम्पल देखिए, द कार्ट इज पुश्ड, ठेला धकाया जाता है या ठेला धकाते हैं, हमारा सेंटेंस बना ठेला धकाया जाता है, ठेला धकाते हैं, द कार्ट इज पुश्ड। आठवां नंबर सेंटेंस देखिए, थीफ इज पनिश्ड, चोर को दंडित किया जाता है, चोर को पनिश किया जाता है, चोर को दंड दिया जाता है। तो देखिए हर सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर आ रहा है जाता है, इस सेंटेंस में कोई भी कहीं जा नहीं रहा है, मतलब इन तरह के पैसिव सेंटेंसेस में जब हम जाता है हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में उस जाता का, उस गो का कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं होता है, कोई वर्ब नहीं होता है, मतलब
यहाँ पर जाता है के लिए कोई वो जैसा शब्द नहीं होता है, एक्चुअल में धकाया जाता है, दंड दिया जाता है, इस तरह का वो सेंटेंस होता है। नौ नंबर का सेंटेंस देखे, द मशीन इज रिपेयर्ड, मशीन सुधारी जाती है, मशीन सुधारते हैं, द मशीन इज रिपेयर्ड। तो हमें पेसिव सेंटेंसेस में किस तरह से मुख्य क्रियाओं में जो थर्ड फॉर्म का उपयोग करना होता है उसको याद रखना कितना जरूरी होता है, कितना उसका इंपॉर्टेंस होता है हमारी रोज के बोलचाल में। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, कन्वर्सेशन में लेना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का याद होना बहुत जरूरी होता है, जिसका नियम हमने शेयर किया है आपके इस लिंक के साथ में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मात्र 230 वर्ब के आसपास आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरी डिक्शनरी के सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद रहने की एक ट्रिक्स की जानकारी हो जाती है। हम अगला एग्जांपल देखते हैं, दसवां, ए कंप्लेंट इज मेड, हमारा ये सेंटेंस ए कंप्लेंट इज मेड, अगर हम इसे पैसिव बना रहे हैं, अगर हम इसे प्रश्नात्मक बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस इज सामने होता, हमने इसको ए कंप्लेंट इज मेड, शिकायत की जाती है, इस तरह का हमारा सेंटेंस है। हम यहाँ पर अगर क्या मान के चले, अगर हम इसे इंटरोगेटिव मान के चले तो हम सेंटेंस बनाएंगे इज ए कंप्लेंट मेड, लेकिन अगर यहाँ पर सेंटेंस को अफर्मेटिव मान के चले तो हमारा सेंटेंस होगा शिकायत करी जाती है, शिकायत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे अगर प्रश्नात्मक मानते हैं तो आपको इज को सामने रखना चाहिए, जो हमने यहाँ पर अभी नहीं दिखाया, क्योंकि आप इसे अगर यहाँ सामने बनाने की कोशिश करें प्रश्नात्मक, तो आप किस तरह से बनाएंगे इस सेंटेंस को, हमें सहायक क्रिया इज को सामने रख करके इज ए कंप्लेंट मेड से बनाना चाहिए सेंटेंस, शिकायत की जाती है। 11 नंबर का सेंटेंस देखिए, दोज लार्ज स्टोन्स आर ब्रोकन ऑन दैट हिल, उन बड़े पत्थरों को पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर तोड़ी जाती है, तोड़ते हैं, तो उस पहाड़ी पर बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता है, तोड़ते हैं। 12 नंबर का सेंटेंस देखिए, वैल्यूएबल टाइम इज नॉट वेस्टेड, इट इज बैड हैबिट, जो हमारी कीमती समय है, जो समय है, उन्हें वेस्ट नहीं किया जाता, नहीं करते हैं, ये बुरी आदत है। तो क्या बुरी आदत है, समय का वेस्ट करना, समय को बर्बाद करना एक बुरी आदत होती है, तो समय बर्बाद नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं, इस तरह का हमारा सेंटेंस बना है ये पैसिव सेंटेंसेस में, जो हम बोलचाल में यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रश्नात्मक रूप देना होता है, अगर हमें इसे इंटरोगेटिव रूप देना होता है, किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता, तो हम इसे बहुत आसानी से उस प्रश्नात्मक शब्दों के साथ कर सकते थे। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि इन्हें प्रश्नात्मक रूप में किसी तरह से हमारे पैसिव सेंटेंसेस हमारी बोलचाल में यूज होते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ अगला एग्जाम्पल, ए ग्रैंड फेयर इज हेल्ड इन नवरात्रि एवरी ईयर इन डोंगरगढ़, तो जो डोंगरगढ़ है वहां पर जो देवी माता का मंदिर है वहां पर नवरात्रि में एक विशाल, एक अच्छा, एक शानदार मेला लगता है, तो हर साल लगता है, इस तरह से हमारा सेंटेंस है, ए ग्रैंड फेयर इज हेल्ड इन नवरात्रि एवरी ईयर इन डोंगरगढ़, हर साल नवरात्रि में डोंगरगढ़ में एक शानदार मेला लगता है। तो देखिए सेंटेंस आप कलर कोड से लगातार देख रहे हैं पैसिव अंग्रेजी में कैसे यूज हो रहा है, और हम इसे किस तरह से हमारे बोलचाल में, हमारे लिखने की विधि में, हम हमारे स्टोरीज में यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें काम को महत्व देना हो, हमें सब्जेक्ट को ना महत्व देना हो, हमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस कम देना हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम पैसिव का यूज कर सकते हैं। अगले वीडियोज में जब हम देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस और हम जब बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस जो आप भी यूज करते होंगे, आपके डेली लाइफ में आप प्रयोग करते होंगे, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अलग अलग छांट करके, अलग अलग देख करके लिखते जाइए, और उनकी पेशियों को अलग अलग टेंस में बनाने के जो पैटर्न है आप हमारे साथ सीखते जाएंगे। इस YouTube चैनल के माध्यम से हर टेंस में किस तरह से उनके पेशियों बनाने की विधियां हम कर सकते हैं वो आप जानते जाएंगे। तो अभी आज से हमने जो शुरुआत करी है हमारे पेशियों सेंटेंसेस को बोलचाल के प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में कैसे यूज किया जाता है, उसके और भी हम सेंटेंसेस आगे देखते रहेंगे, अगले वीडियोस में देखते रहेंगे। अगले वीडियोस में जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो रोज बोलचाल में रोज बोले जाने किस तरह के अलग अलग पैटर्न होंगे हम उसे और भी देखेंगे। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोस, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।